नमस्कार, मैं सीमा अग्रवाल वेजिटेरियन खजाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ओट्स और रेजिन के बनने वाले कुकी बनाना सिखाऊंगी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बेहद स्वादिष्ट। सबसे पहले हम ये एक बेक ट्रे लेकर इसको ग्रीस कर लेंगे। इसमें मैंने ये थोड़ा सा बटर पेपर लगा दिया इसके नाप का काट कर। अब मैं इसको घी से ग्रीस कर दूंगी। रेजिन और कुकी के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में बटर डाल लेंगे। पाउडर शुगर डालेंगे और इसको अच्छे से क्रीम होने तक फेंटेंगे। बटर और शुगर को मैंने अच्छे से क्रीम कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ सामग्री डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें दूध डालूंगी। आपको सभी सामान रूम टेम्परेचर पर डालना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आटा डालूंगी, हनी डालूंगी, सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक पिंच इलायची पाउडर डालूंगी। मैं इसमें दो तरह की रेजिन यूज कर रही हूँ, गोल्डन और ब्लैक। अगर आपके पास ब्लैक रेजिन नहीं हो तो आप खाली एक रेजिन भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ओट्स डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें सोडा डालूंगी। सोडा डालने के बाद हमें इसे ज्यादा मिक्स नहीं करना। कट एंड फोल्ड मेथड से इसे कुछ सेकंड के लिए हम मिलाएंगे। ये मिक्सचर हमारा बनकर तैयार है। अब आप किसी भी मेजरिंग स्पून को ले सकते हैं और इसको एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ये जो हमने ट्रे को ग्रीस करके रखा है इसमें रखते जाएंगे। सारी कुकीज को मैंने ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब किसी भी स्पून की सहायता से इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे। जिस कुकी में ऊपर आपके किशमिश नहीं आई हुई, इसमें आप एक दो किशमिश ऊपर से लगा सकते हैं ऐसे। अब हम इसे प्रीहीटेड ओवन में बेक करेंगे। करीब 10 से 12 मिनट हम इसे बेक करेंगे। करीब 10 मिनट हो गई है, कुकीज हमारी बनकर तैयार है। हमें इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी हेल्दी, टेस्टी और सॉफ्ट कुकीज बनकर तैयार है। ये बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। इन कुकीज को बनाने के लिए मैंने मैदा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। ये आटे और ओट्स से बनाई है। ये कुकीज खाने में जितना स्वादिष्ट है और उतनी ही सेहत के लिए हेल्दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।